और जिस हिजबुल्ला के लिए ईरान ने इसराइल पर हमला किया, जिस हिजबुल्ला के लिए भारत में कुछ मुस्लिमों ने रैलियां निकालकर अपनी वफादारी दिखाई, उनमें से कई योगी के रडार पर हैं। सीधे तौर पर समझ लीजिए कि हिजबुल्ला प्रेमी गिरोह पर योगी ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। ईरान जब इसराइल पर हमले वाली आतिशबाजी कर रहा था, तब उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक रैली निकाली जा रही थी। ये रैली भाईजान की थी। ये रैली अमेठी के मुट्ठी भर उन लोगों की थी जो हिजबुल्ला जैसे कट्टरपंथी संगठन के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। रिहायशी कॉलोनी के पास से निकली इस रैली में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पोस्टर लहराए जा रहे थे। बड़े तो बड़े, बच्चों से भी नारे लगवाए जा रहे थे। उसी तरह का सीन फिल्माने की कोशिश हो रही थी जैसा सीन लखनऊ में 29 सितंबर की रात दिखा था, जब लखनऊ के इमामबाड़ा में युवा, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी कैंडल लेकर सड़क पर उतर गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्टर जला दिया था और मस्जिदों से 3 दिन तक दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया था। वो 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला के समर्थन में प्रदर्शन का सिलसिला नहीं रुका। अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र में इन साहेब जादों को लगा कि वो भी आधी रात में रैली निकालेंगे और हिजबुल्ला के लिए मातम मनाएंगे तो लेबनान से ईरान तक बैठे आका मुगेम्बो की तरह खुश होंगे। लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा और उसके बाद कायदे से खातिरदारी की जाएगी। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। तो हुआ यही, हिजबुल्ला के लिए जुलूस निकालने वाले अमेठी के भाईजान पर योगी की पुलिस ने एक्शन ले लिया। अमेठी पुलिस ने कुल 51 लोगों पर केस दर्ज किया। इनमें से 11 के नाम पुलिस को पता हैं, 40 अब तक अज्ञात हैं। मुख्य आयोजक समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। जैसा कि अमेठी पुलिस ने कहा, कार्रवाई धार्मिक नारेबाजी करने और बिना इजाजत भीड़ जुटाने के खिलाफ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।